नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लगभग 8,000 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया है। वीडियो को एंड तक देखिए, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। आज का वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप कोरिलेट कर सकोगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़े नहीं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पे जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और इंस्टा हैंडल को भी फॉलो कर सकते हो आने वाले अपडेट पाने के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा दिया। उसके बाद मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर दिखाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम चलेंगे चार्ट के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ दोस्तों। अभी ये लोडिंग हो रहा है, शायद नेट का इश्यू हो चुका है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पे मैंने 1222 के आसपास, मतलब 1222 के आसपास 225 क्वांटिटी, मतलब 9 लॉट मैंने शॉर्ट किए थे और कवर किए थे विद इन 10 मिनट्स के अंदर। तो चलिए मैं चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ और सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पे कल का ये क्लोजिंग प्राइस है 30,700 के आसपास कल मार्केट क्लोज हुआ था, और आज मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, 30,920 के आसपास, मतलब लगभग 320 पॉइंट मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है सुबह तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आना तय होता है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, अगर किसी को ओवरनाइट 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब एक लॉट के पीछे अगर 7,500-8,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होती ही होती है दोस्तों, 90% टाइम होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार होगी, मोर देन 90% टाइम वहां पे अगर गैप अप मार्केट ओपन हो रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग होती है गैप अप या गैप डाउन होने के बाद। तो देख सकते हो ये पहले 2 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई, इसलिए मार्केट नीचे आ गया और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुआ और फिर से नीचे जाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से दोबारा किसी ने, मतलब अगर क्वांटिटी वहां पे स्क्वेयर ऑफ कर दी है तो मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई अपनी पोजीशन कवर कर रहा है तो वहां से वॉल्यूम थोड़ा जनरेट होकर मार्केट ऊपर चला जाता है। ये तो रही सुबह की बात, ठीक है। तो हम एक प्राइस एक्शन का वेट कर रहे थे, देख सकते हैं यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन मिला, मतलब मार्केट नीचे आया और ये अपना हाई क्रॉस नहीं कर पाया। तो लगभग इसी टाइम पे हमने 30,900-800 के कॉल शॉर्ट किए थे, लेकिन क्या होता वहां पे हमारे स्टॉप लॉस हुए थे। क्योंकि क्या हुआ, मार्केट 10 बजे से लेके 12:30 के बीच, मतलब लगभग 2.5 घंटा मार्केट एक ही रेंज में बना रहा। वो रेंज कौन सा था, 30,824 और नीचे था 30,724, मतलब 100 पॉइंट के बीच में ही मार्केट खेलता रहा लगभग 2 hours and 30 minutes। ऐसा होता नहीं है दोस्तों, मगर ऐसा हो रहा है विद इन डेज के अंदर, ट्रेडिंग आवर्स के अंदर। तो वहां पे बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन होता है दोस्तों, मगर मतलब क्या होता है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे देता है तो मार्केट बहुत ऊपर जाता है, और ब्रेकडाउन करता है मार्केट तो बहुत नीचे की तरफ जाता है। इसको हेल्दी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बोला जाता है दोस्तों। तो मैंने बता दिया था कि आपको 1222 के आसपास हमने क्वांटिटी अपनी शॉर्ट की थी, 30,900 के 9 लॉट हमने शॉर्ट किए थे, टाइमिंग के साथ दिखा दूंगा। तो वीडियो को थोड़ा पूरा देखिए दोस्तों, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, यही वो टाइमिंग है, यही वो कैंडल है जहाँ पे हमने अपना मतलब शॉर्ट पोजीशन बना ली थी। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों, उसके बाद मार्केट नीचे चला गया और यहाँ पे मतलब यहाँ पे 30,600-700 के पास हमने अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर की थी। पोजीशन कवर करने के पीछे भी कुछ रीजन होते हैं दोस्तों। देख सकते हो ये कल का मतलब क्लोजिंग प्राइस है, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस है, तो मार्केट वहां पे थोड़ा सा बाइंग हैपनिंग होती है। मैंने बहुत बार बताया, कल के वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो, वहां पे भी वैसे ही हुआ था। तो देख सकते हो जैसे ही कल का प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस पे मार्केट गया, वहां से थोड़ा सा बाइंग हैपनिंग हुआ और फिर से प्राइस एक्शन बना के नीचे चला गया। और अभी देख सकते हो, अभी 1:10 होने वाले और मार्केट अभी 30,700 के आसपास है। मतलब ये जो लेवल है 30,700 से लेके 650 तक का, ये एक सपोर्ट जोन है दोस्तों, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे कल अपना टाइम स्पेंड किया था, और मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा रिस्पेक्ट करता है। मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बताया कि मार्केट को अपने पुराने लेवल सारे याद रहते हैं, अगर आपको याद रहे ना रहे, लेकिन मार्केट अपने पुराने लेवल सारे याद रखता है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आने वाले वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, और एक ट्रेडर कैसे एनालिसिस करते हैं ये सारी चीज़ें आपको क्लू दूंगा। तो आप उसके हिसाब से आप अपना एनालिसिस कर सकते हो, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोज़ में। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहे। तो एक बार जाते जाते फिर से स्क्रीन रिफ्रेश करके देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बहुत लंबा होता है, इसलिए मैं पूरा ट्रेडिंग खत्म होने के बाद वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।